वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों को पता है कि मैं श्रीलंका आया था कुछ फार्म विज़िट करने के लिए। तो ये श्रीलंका में एक फार्म है कोलंबो में, और ये स्पेशली है जो ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग कराता है। ये समंदर के पास है, और ये इधर में बहुत ही आसान तरीक़े से ये लोग ब्रीडिंग कराता है, एवं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बाहर इसको भेज देते हैं बेचने के लिए। स्पेशली साउथ अफ्रीका में जाता है इस मछली। तो ये मछली जो है ना, ये ऑर्नामेंटल फिश है सारे। इसके अंदर मौली, गप्पी, प्लाटी और गोल्ड फिश एंड कोई कर्प है, जैपनीज कोई कर्प जो होता है। तो ये पाँच छः तरीके का मछली होता है। ये देख रहे हैं आप लोग के मतलब ब्रीडिंग के बाद बहुत सारे इसके अंदर मछली है, छोटा छोटा मछली। और ये लोग ब्रीडिंग के साथ साथ इसमें खाना देते हैं फ्लोटिंग फीड, और इसके साथ साथ इधर में एजोला यूज़ करते हैं। जो एजोला आप लोगों को पता होगा, जो ग्रीन कलर का होता है, जो मछली खाते भी है वो वाला। और इससे पानी का एमोनिया भी काफ़ी अर्सा तक कम हो जाता है। और ये मेरे ख्याल से इंडिया बांग्लादेश में अवेलेबल है एजोला जो है। और ये है एजोला असल में, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं छोटा छोटा, ये एजोला है। बाकी इसके अंदर जो मछली है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चलता है मौली, प्लाटी और गप्पी, और कोई कार्प है, जापानीज कोई कार्प और गोल्ड फिश जो है। ये लोग जब पानी इसके अंदर गंदगी गंदा हो जाता है पानी, तो इसके अंदर वाटर वैक्यूम करके पानी को थोड़ा सा क्लीन कर देता है, और थोड़ा बहुत पानी चेंज भी करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें चलता है वो है वाटर वैक्यूम करके नीचे का जो डर्टी थिंग मैला जमता है उसको क्लीन कर देता है। बहुत ही आसान तरीक़े से ये लोग करते हैं। और इसको ये देख रहे, बहुत सारे मछली है, ये सारे ये गोल्ड फिश है। और इसके अंदर जो तरीका है, ये तरीक़े से आप लोग घर पे छोटा मोटा करके या फिर जो रूफ़ होता है रूफ़ के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीक़े से आप लोग ये कर सकते हैं, और ये इसके लिए मतलब बहुत इन्वेस्ट का ज़रूरत भी नहीं होगा। और मेरे ख्याल से इंडिया बांग्लादेश में जो ऑर्नामेंटल फिश है, ऑर्नामेंटल फिश का प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो ये आसान तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं। बाकी किसी के पास अगर अलग से टेक्नोलॉजी है, जैसे कि बायोफ्लॉक हो गया या फिर आरए सिस्टम हो गया, उसमें भी आप ये मछली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा कि आप लोग एक्वापोनिक सिस्टम में ये मछली अगर करें छोटा मोटा करके, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। और ये जो मछली, इसके अंदर टोटल आप लोग देख रहे हैं कि इस लेफ्ट साइड में टोटल 72 है और राइट साइड पे 72, टोटल 144 टैंक है। और नीचे तकरीबन और भी 20-25 टैंक होगा। बहुत बड़ा फार्म है ये समंदर के पास। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ करना है, बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर वो डिस्क्रिप्शन पे होता है। अच्छे से रहना। अस्सलाम वालेकुम।